मुझे प्रातःकाल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु, तू प्रातःकाल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 23 जुलाई 2018, पाठ पहला, मीका का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 4, 6 से 8 तक। प्रभु का यह कहना है, उठो, पहाड़ों के सामने अपनी सफाई दो, पहाड़ियों को अपनी बात सुनाओ, पर्वतों पृथ्वी को संभालने वाले चिरस्थाई खंभों प्रभु का मुकदमा सुनो। वह इस्राएल पर अभिभोग लगा रहा है, मेरी प्रजा, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया, मैंने तुमको क्या कष्ट दिया, मुझे उत्तर दो, मैं तुमको मिस्र से निकाल लाया, मैंने तुमको दासता के घर से छुड़ाया, मैंने पथ प्रदर्शक के रूप में मूसा, हारून और मरियम को तुम्हारे पास भेजा, मैं क्या लेकर प्रभु के सामने आऊँगा और सर्वोच्च ईश्वर को दंडवत करूँगा, क्या मैं होम बलि लेकर उसके सामने आऊँगा अथवा एक वर्ष के बछड़े को, क्या ईश्वर हजारों मेंढों से प्रसन्न होगा अथवा तेल की कोटि कोटि धाराओं से, क्या मैं अपने अपराध के प्राश्चित स्वरूप अपने पहलूठे को अपने पाप के बदले में अपने शरीर के फल को अर्पित करूँगा। मनुष्य, तुमको बताया क्या है कि उचित क्या है और प्रभु तुमसे क्या चाहता है, यह इतना ही है, नए पूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार प्रभु का सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 38 से 42 तक। उस समय कुछ शास्त्री और फरीसी ईसा से बोले, गुरुवर, हमें अपने द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह की मांग करती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मच्छी के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन
ननिन्वे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि इन्होंने यूनुस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो यूनुस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।